यहाँ पे अभी दिखाने वाला हूँ आप लोग को श्री रामकृष्ण मिशन प्रार्थना स्थल। और जैसे हम अंदर जा रहे हैं यहाँ पे फूलों का पूरा बागानी किया गया है, जैसे विभिन्न प्रकार के फूल मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये विद्यापीठ है दोस्तों, जहाँ पे सभी छात्र पढ़ते हैं, यहाँ पे जो भी आश्रम में रहते हैं वो सभी पढ़ाई करते हैं। अरे भाई दोस्तों, स्वामी विवेकानंद आश्रम आए हुए हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही अच्छे से मूर्ति बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो इसका स्थापना दिवस और जन्म दिवस भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इनके बारे में कुछ अच्छी बातें जो स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे, बताते थे सभी को, उसका बहुत अच्छा अच्छा बातें लिखा हुआ था वहाँ पर। और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, विवेकानंद जी के आश्रम में आए हैं। और यहाँ पर आरोग्य सेतु का आरोग्य धाम, यहाँ पे अस्पताल की भी सुविधा है, देख सकते हैं यहाँ पे आरोग्य धाम लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये अस्पताल, यहाँ पीछे कैमरा करता हूँ दोस्तों और दिखाता हूँ आपको, अस्पताल की भी सुविधा मिलेगी यहाँ पे, लगभग हर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है दोस्तों। ऐसी अस्पताल की भी सुविधा यहाँ पे है। और यहाँ देखेंगे तो आप अस्पताल में आने जाने का समय और कौन से महीनावार भी दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे जो समय लगता है यहाँ अस्पताल खुलने का। चलिए अब ये और आगे जाते हैं, आश्रम के अस्पताल से आगे जाएंगे तो आपको बहिरंग विभाग दिखेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, बहिरंग विभाग लिखा हुआ है। बहिरंग विभाग में दोस्तों बाहर से जो मरीज आते हैं, मतलब आश्रम के बाहर से जो मरीज आते हैं दोस्तों, उनका इलाज करने के लिए होता है बहिरंग विभाग। आश्रम के अंदर में देखेंगे दोस्तों तो ऐसे रोड में बहुत सारे जगह जगह पर इसी प्रकार के गेट बने हुए हैं, इसी प्रकार के गेट और बहुत सारे मिलेंगे आगे जाके भी आपको इस प्रकार के गेट। और अभी बंद है या छुट्टी का दिन है तो इस प्रकार हम लोग साइड से जा सकते हैं, इधर खुला है, बाकी बीच में ताला लगा हुआ है। और देखेंगे तो इधर कार्यालय है दोस्तों, आश्रम का जो रामकृष्ण मिशन आश्रम का जो कार्यालय है वो यहाँ पर लगता है दोस्तों। और यहाँ का टाइमिंग भी देख सकते हैं, और आगे जाएँगे तो अभी बंद है, खैर आज के दिन छुट्टी के दिन आए हैं तो बंद है। और इधर आगे जाएँगे हम लोग तो इधर देख सकते हैं, इधर रामकृष्ण मिशन का जो मंदिर है, प्रार्थना स्थल है, इधर आगे मिलेगा आपको, आगे चल के देखते हैं। और ये है, यहाँ पे अभी दिखाने वाला हूँ आप लोग को श्री रामकृष्ण मिशन प्रार्थना स्थल का। एक सेकंड, मैं पीछे कैमरा कर लेता हूँ। मंदिर के सामने देख सकते हैं दोस्तों बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे खुलने का समय बताया गया है। और प्रथम तल में प्रार्थना स्थल है दोस्तों, और जो भूतल या मतलब नीचे का जो तल है उसमें प्रदर्शनी पुस्तकालय और साहित्य विकेंद्रीय केंद्र लगता है दोस्तों यहाँ पे, यहाँ बताया गया बोर्ड में पूरा लिखा गया है। चलिए आगे जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंदर में कितना खूबसूरत लग रहा है। और हम लोग अभी नारायणपुरा बुजमाड़ क्षेत्र में आए हैं, और यहाँ विवेकानंद जी का आश्रम है, और इधर आगे स्कूल भी है दोस्तों, अभी स्कूल भी दिखाएँगे हम लोग आके जाके। और बहुत ही खूबसूरत पीछे कैमरा से दिखाता हूँ मैं आपको, और अंदर रास्ता बंद है तो अभी अंदर नहीं जा सकते हम लोग। और आज शिवरात्रि का दिन है इसलिए दोस्तों यहाँ पे अभी पूजा वूजा हुआ सुबह टाइम, और अभी सभी लोग निकल चुके हैं दोस्तों। आप भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये जो रामकृष्ण प्रार्थना स्थल है, जो मंदिर है दोस्तों, इसको दोस्तों कारीगरों द्वारा बहुत ही बारीक कारीगरी करके बनाया गया है। इस मंदिर को देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, यहाँ आके दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। यहाँ दोस्तों बहुत ही अच्छे से बागानी किया गया है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फूल लगाए गए हैं देखने में, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इधर आगे जाते हैं तो सब तरफ से दोस्तों बहुत ही अच्छा पेड़ पौधे मिल जाएंगे, यहाँ का माहौल बहुत ही शांत लग रहा है अभी। इधर देखेंगे आगे और राइट साइड में देखेंगे तो इधर जो रामकृष्ण विवेकानंद जो आश्रम है दोस्तों, यहाँ का जो विद्यापीठ या स्कूल बोल सकते हैं दोस्तों अपनी भाषा में, स्कूल यहाँ। और दोस्तों यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ही ख्याल रखा जाता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा नहीं मिलेगा। और दोस्तों आप यहाँ सभी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है दोस्तों, लगभग हर चीज़ की, जो कि एक शहर में होती है और गांव में होती है, तो हाँ यहाँ पे वो हर सुविधा उपलब्ध है दोस्तों यहाँ पे। ये अगर देखेंगे तो उचित मूल्य की दुकान और यहाँ तक कि गैरेज तक यहाँ की सुविधा है दोस्तों, यहाँ खुद यहाँ पे गाड़ी वगैरह अगर ख़राब भी होती है तो कहीं ले बनाने ले जाना नहीं पड़ता, सब चीज़ यहीं पे मिल जाता है। और इधर देख सकते हैं इधर पूरा जाली लगा है, अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए पूरा रोड में अभी रोड ही रोड जा रहे हैं इधर।
दोस्तों अभी हम नारायणपुरा बुजमार क्षेत्र में आए थे और इतना खूबसूरत जगह देख के दिल खुश हो गया। आज नारायणपुर का मेला है तो अभी हम लोग मेला भी जाने वाले हैं। और यहाँ बाल गृह है जिसको हम आश्रम भी बोल सकते हैं, बालक छात्रावास बोल सकते हैं। जो बालक का है यहाँ जो पढ़ते हैं विद्यापीठ में, जो पढ़ते हैं वो बच्चे यहाँ पे रहते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ विद्यापीठ बालक का लिखा हुआ है। जैसे कि छात्रावास, और अभी हम लोग जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद आश्रम के जो विद्यापीठ में। और जैसे हम अंदर जा रहे हैं यहाँ पे फूलों का पूरा बागानी किया गया है, जैसे विभिन्न प्रकार के फूल मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये विद्यापीठ है दोस्तों, जहाँ पे सभी छात्र पढ़ते हैं। यहाँ पे जो भी आश्रम में रहते हैं वो सभी पढ़ाई करते हैं। दोस्तों आगे बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। और चलिए आगे हम इस जगह को और दिखाते हैं आपको, और कोशिश करते हैं यहाँ का अच्छा अच्छा जगह दिखाने का। तो यहाँ से अभी हम लोग और आगे जाएंगे और यहाँ के आगे जो भी अच्छी अच्छी जगह है दोस्तों वो सभी दिखाएंगे आप लोग को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे में, तो बने रहिए इस वीडियो में।